क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक के बीच तलाक की खबरें पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। ये खबर सुनकर कई लोगों को निराशा हुई, क्योंकि ये दोनों एक खुशहाल कपल के रूप में जाने जाते थे। हार्दिक और नताशा ने 2020 में शादी की थी और उनका एक बेटा भी है, लेकिन पिछले 6 महीनों से ऐसा लगता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक तलाक के बारे में खुलकर बात नहीं की है, लेकिन क्या आपको पता है कि नताशा को डेट करने से पहले हार्दिक कई अन्य अभिनेत्रियों को भी डेट कर चुके हैं। आइए डालते हैं एक नज़र हार्दिक की डेटिंग लिस्ट पर। नंबर 1, लीशा शर्मा। न्यूज 18 की रिपोर्टों के अनुसार हार्दिक ने सबसे पहले कोलकाता की एक मॉडल लीशा शर्मा को डेट किया था। ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और 2017 में दोनों अलग हो गए। नंबर 2, एली अवराम। बिग बॉस 7 फेम एली अवराम हार्दिक की दूसरी मशहूर गर्लफ्रेंड रही। 2017 में हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या की शादी में भी दोनों साथ नजर आए थे। 2018 में रिश्ता भी खत्म हो गया। नंबर 3, ईशा गुप्ता। एली के बाद हार्दिक का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता के साथ जुड़ा। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। नंबर 4, उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला के साथ भी हार्दिक का नाम जुड़ चुका था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक ने उन्हें सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था। इसके बाद कोरोना महामारी के बीच हार्दिक पांड्या ने मई 2020 में नताशा स्टैनकोविक से शादी की। आपको बता दें कि हार्दिक और नताशा के अलग होने की खबर तब आई जब नताशा ने अचानक अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पांड्या सरनेम हटा लिया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में हार्दिक और नताशा का रिश्ता खतरे में है या फिर ये महज एक अफवाह ही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी बॉलीवुड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।